हेलो एवरीवन, मेरा नाम रणदीप है। और जैसे आप जानते हैं कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे ब्लॉगिंग के बारे में, तो आज के चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे लिंकिंग मेन्यूज के बारे में। तो ज़्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम अपने ब्लॉग के बैक एंड साइड पे आ चुके हैं। नाउ अब हमें यहाँ पे डिस्कस करना है कि सपोज हम एक न्यू पोस्ट यहाँ पे अपलोड करते हैं। मान लीजिए कि आपको गूगल से किसी की एक इंफॉर्मेशन है जो आपको पास आउट करनी है अपने ब्लॉग पे, तो वहां पे हम क्या चीज यूज कर सकते हैं उसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे हम। तो जैसे मैंने एक वेबसाइट खोल रखी है स्टार्टअप की, तो ये एक वेबसाइट है, तो हमें इसकी इंफॉर्मेशन अपने ब्लॉग में डालनी है। तो हम यहां पे जाएंगे और इसको कॉपी करेंगे एंड अपने ब्लॉग पे आएंगे एंड इसका टाइटल यहां पे कॉपी कर देंगे। नाउ हम नीचे जाएंगे एंड इसका ये इंफॉर्मेशन जो है वो कॉपी कर देंगे। अगेन मैंने यहां पे ये चीज डायरेक्ट कॉपी करी है, बट आपको क्या करना है, जैसे आप जानते हैं कि हम लोग को जो लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था कि आर्टिकल रीराइटर पे पहले जाना है, फिर प्लैगरिज्म चेकर पे जाना है, देन वहां से सब कुछ चेंज करने के बाद फिर हमें यहाँ पे आना है, तो वो प्रोसेस वो ही चलेगा। नाउ अब आपने किसी वेबसाइट की इंफॉर्मेशन अपने ब्लॉग पे यूज करी है, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहां पे लिंक पे जाएंगे और इसकी वेबसाइट पे जाएंगे और इसकी वेबसाइट का डोमेन नेम कॉपी करेंगे। नाउ अब हम यहां पे इसका पेस्ट कर देंगे और ये हम लिंक यहां पे डाल देंगे, इसको नीचे करेंगे। सोर्स देख लिए फ्रेंड्स, अगर किसी भी आप मान लीजिए कि गूगल से आप कोई पिक्चर ले रहे हैं या फिर किसी की वेबसाइट से कोई इंफॉर्मेशन जो जरूरी है आपको अपलोड करने के लिए वो ले रहे हैं, तो यहाँ पे सोर्स डाल के उसकी वेबसाइट का नाम मेंशन जरूर करिएगा। इससे गूगल को ये लगेगा कि ये जो पर्सन है ये जेन्युइन है, तो यहाँ पे आपको कॉपीराइट नहीं मिलेगा। नाउ अब हम बात करेंगे कि अगर आपको इसमें एक वीडियो ऐड करना है तो वो कैसे करेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने वीडियो ओपन कर रखा है, तो हम यहाँ पे जाएंगे ओपन करेंगे एंड शेयर पे जाएंगे। शेयर पे जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको एम्बेड, एम्बेड पे क्लिक करेंगे और ये जो है इसका लिंक, इसको हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद बैक आएंगे, बैक आने के बाद दोबारा यहाँ पे HTML पे जाएंगे जो इसका कोडिंग पार्ट है। अब नाउ यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको ये वीडियो कहाँ पे मेंशन करना है। अब हम जैसे हमें टॉप पे मेंशन करना है, तो हमें टॉप पे ये लिंक कॉपी करना पड़ेगा एंड इसको एंटर करके ये चीज नीचे कर देंगे, तो ये जो वीडियो हमारा वो टॉप पे आएगा। अगर सपोज आपको मिड में करना होता तो मिड में आप यहां कर सकते थे एंड यहां कर सकते हो आप, जो यहां जहां पे दिया हुआ है DIV उसके ऊपर आपको करना है। मतलब यहां पे आप करोगे तो मिडिल में आ जाएगा, यहां पे आप करोगे तो इसके ऊपर आ जाएगा, यहां पे करोगे तो इसके ऊपर आ जाएगा, तो यहां पे आप वो चीज माइंड में ध्यान रखिएगा। तो हम यहां से अब कंपोज कर देंगे, तो ये वीडियो यहां पे मेंशन हो गया है। अब सपोज हमें इसका साइज को बढ़ाना है या छोटा करना है, तो कहां से करेंगे, दोबारा जाएंगे HTML पे एंड यहां पे आप देखो यहां पे दे रखा है विड्थ, यहां पे दे रखा है हाइट, तो अपने साइज के अकॉर्डिंग आप यहां से चेंजेस कर सकते हो। जैसे यहां पे 560 है तो हम 660 कर देंगे, तो यहां पे आप कंपोज करोगे तो ये जो साइज है वो बड़ा हो जाएगा आपका, ये देख सकते हो। तो यहां पे सब्सक्राइब का भी ऑप्शन आ जाएगा, तो
तो ये इन्फॉर्मेशन आपकी यहाँ पे हो गई है। अगर मान लीजिए कोई इन्फॉर्मेशन आपने गूगल से निकाली है, गूगल को भी आप मेंशन कर सकते हो यहाँ पे, एंड गूगल को ओके करेंगे और यहाँ पे आ जाएगा। फिर यहाँ पे डाल देंगे सोर्स गूगल, एंड यहाँ पे अब हम इसको पब्लिश कर देंगे। अब अभी तक हमने जो समझा था वो ये समझा था कि इस पे पोस्ट डालने कैसे हैं। अब जैसे कि हमने यहाँ पे देखिए एक टॉपिक डाल रखा है एसईओ का, एक टॉपिक डाल रखा है डिजिटल मार्केटिंग का, एक टॉपिक डाल रखा है ब्लॉगिंग का, एक टॉपिक डाल रखा है स्टार्टअप का। लेकिन अब यहाँ पे आप देखोगे तो एसईओ पे जाओगे तो एसईओ पे क्लिक करोगे तो आपका वो टॉपिक नहीं खुलेगा, या फिर आप ब्लॉगिंग पे जाओगे या फिर आप डिजिटल मार्केटिंग में जाओगे तो वो आपका टॉपिक नहीं ओपन होगा। तो अब हमें इसका लिंक कैसे ऑपरेट करना है वो समझेंगे। तो वापस आएंगे एंड ब्लॉग पे क्लिक करेंगे। अब यहां पे देखिए ऑप्शन मिल रहा है आपको लेबल्स का, तो लेबल्स में हमें देखिए यहां पे जो ऊपर इसके टाइटल्स हैं वो डालने हैं। तो मान लीजिए कि मैं यहाँ पे डाल देता हूँ SEO, SEO यहाँ पे हम डन कर देंगे। एंड इसको ऊपर जो है अपडेट कर देना है। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर, यहां पे जाएंगे इसको यहां पे डन कर देंगे एंड अपडेट कर देंगे। नाउ फिर हम यहां पे जाएंगे एंड यहां पे देखिए मैंने ब्लॉक का ऑप्शन हटा दिया था, तो यहां पे हम इसको डाल देते हैं SMO पे, अपडेट कर देंगे। सो नाउ फ्रेंड्स यहां पे हम पहले नीचे जाएंगे तो लेबल्स में देखिए यहां पे आ जाएगा डिजिटल मार्केटिंग SEO SMO। अब हम यहां पे जब इसको ओपन करेंगे तो यहां पे ऊपर लिंक दिखेगा आपको, इसको लिंक को हमें कॉपी करना है और ये दोबारा पीछे बैक एंड पे जाना है, देन थीम पे जाना है, फिर एडिट HTML पे जाना है, नाउ यहां पे हम कंट्रोल प्लस तो डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर यहां पे आपको हैश का साइन दिखेगा, इसको कट करके इसकी जगह पे हमें लिंक सेव कर देना है, सेव करने के बाद हम यहां पे व्यू ब्लॉक पे जाएंगे। व्यू ब्लॉक के बाद हम यहां पे जैसे डिजिटल मार्केटिंग ओपन करेंगे तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब डिजिटल मार्केटिंग में जो हमने कंटेंट डाला था वो हमारा डिजिटल मार्केटिंग में शो कर रहा है। अब ऐसे ही हम यहां पे SEO पे जाएंगे एंड SEO का लिंक कॉपी करेंगे, वापस आएंगे अब यहां SEO के नीचे हैश को हटा के इसका लिंक कॉपी करेंगे एंड सेव थीम कर देंगे यहां पे। उसके बाद SMO पर जाएंगे
एसएमओ का लिंक कॉपी करेंगे, नाउ वापस आएंगे, एसएमओ के आगे हैशटैग हटा के इसको पेस्ट करके सेव थीम कर देंगे और इसको सिर्फ वन टाइम प्रोसेस करना है। जैसे आपने एसएमओ का लिंक एक बार कॉपी करके यहां पे डाल दिया, अब ये जितने भी इसमें लेबल्स आएंगे उनका सबका लिंक आपको कॉपी नहीं करना, सिर्फ एक का करना है। उसके बाद जितने भी आप यहाँ पे जैसे एसएमओ से रिलेटेड टॉपिक डालोगे तो उसको कैसे लिंक करना है वो मैं बताऊंगा उसको। तो यहाँ पे आपने सेव कर दिया, व्यू ब्लॉक पे जाएंगे, तो यहाँ पे एसएमओ आप खोलोगे तो यहाँ पे देखिए हमने ब्लॉक का कंटेंट डाला था तो ये एसएमओ में क्लिक हो रहा है। अब मान लीजिए कि आप दूसरा कंटेंट डालते हो डिजिटल मार्केटिंग में ही, तो उसके लिए आपको लिंक ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है। यहां पे क्या करेंगे हम, यहां पे दोबारा जाएंगे ब्लॉक पे। अब मैंने यहां पे ये लिंक ऐड नहीं किया था तो हम इसको खोलेंगे और अब हम क्या करेंगे, यहां पे लेबल पे जाएंगे और अब हम इसको डिजिटल मार्केटिंग में भी ऐड कर लेते हैं और अगर आप किसी और में भी ऐड करना चाहते हो उसमें भी कर सकते हो। तो मान लीजिए एसएमओ में भी मैं डाल देता हूं और यहां पे डन करके इसको अपडेट कर देता हूं। अब इसका लिंक हमें डालने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप जाओगे व्यू ब्लॉक पे जैसे ही जाओगे तो डिजिटल मार्केटिंग में आप ओपन करोगे अगर, तो ये देखो आप ये ऑटोमेटिकली इस पे आ गया और नीचे जो हमने डिजिटल मार्केटिंग डाला था वो भी है और हमने इसको एसएमओ में भी ऐड किया था। तो अब एसएमओ पे अगर जाओगे तो एसएमओ भी ऑटोमेटिकली ये आ जाएगा, शो हो जाएगा। तो ये हमारा यहां पे भी ये नीचे था टॉपिक और ये हमारा था। तो फ्रेंड्स ये पूरा चैप्टर हमारा लिंकिंग मेन्यूज के ऊपर था। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे पॉपअप्स के बारे में। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। गुड बाय फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू।